सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग, वेलकम बैक टू लास्ट क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। ग्रामर बेसिक टू एडवांस में आपका स्वागत है और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इंडिफिनिट प्रोनाउन यूज समझने वाले हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन होता क्या है और उसके एग्जाम्पल से माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जो कि नाउन की पोजीशन पे आता है, और इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का मतलब होता है नॉट एग्जैक्ट और विदाउट क्लियर लिमिट्स। कोई भी एग्जैक्ट अमाउंट में ना होना, कोई भी चीज़ एग्जैक्ट, जैसे 1, 2, 3, 4, ये बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में होता है। अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे आप दूध को नहीं गिन सकते, ठीक है, दूध को मेजर कर सकते हैं, दूध को नहीं गिन सकते, चावल को नहीं गिन सकते, तो ये इंडिफिनिट नंबर्स में होते हैं। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब प्रोनाउन हम जानते हैं जो नाउन के पोजीशन पे आ सकते हैं, जैसे कि ही, शी, दे। अब इसमें ऐसे प्रोनाउन जो जिससे कि हमको एग्जैक्ट नंबर ना पता चले, उसे हम कहते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब इससे रिलेटेड पहले तो हम डिफिनेशन क्या है उसको समझते हैं। इट रिफर्स टू पर्संस और थिंग इन जनरल वे। हम आम भाषा में आप कह सकते हैं, आम तरीके से जब हम पर्सन और थिंग को रिफर कर रहे होते हैं, बट डू नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, बट हम कोई एक पर्सन को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके बात नहीं कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन। तो इनडिफिनिट प्रोनाउन हम जब जनरल वे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, सबके लिए, हर प्रत्येक के लिए बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होती है उसे हम कहते हैं इनडिफिनिट। उसमें एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नंबर की हम बात नहीं कर रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। वन हार्डली नोज वॉट टू डू। अब यहाँ पर वन जो है एज अ जनरल वे में आया हुआ है, हर प्रत्येक आदमी की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पीपल की बात नहीं हो रही कि इतने लोग के बारे में बात हो रही हो, एग्जैक्ट अमाउंट में बात नहीं हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है कि वन हार्डली नोज वॉट टू डू, मुश्किल से ही जान पाता है कि क्या करना है। सेकेंड है, वन मस्ट नॉट बॉस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। अब जो भी वो सफल होता है, जिस चीज़ में भी सफल होता है, तो उसके बारे में उसको डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। तो यहाँ पर एक जनरल वे में बात हो रही है, हर आदमी जो ये ऐसा करता है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो वन आया हुआ है ये इंडिफिनिट प्रोनाउन हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल की बात नहीं हो रही है। थर्ड है, नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। अब उसकी पोएम्स बहुत सारी है, इंडिफिनिट नंबर्स में पोएम है, तो उनमें से कोई भी अच्छी नहीं है, कोई भी इतनी प्रसिद्ध नहीं है, वेल नोन नहीं है, तो नन यहाँ पर एज अ इंडिफिनिट प्रोनाउन यूज हुआ है। फोर्थ में, दे से ही हैज लॉस्ट हैविली। अब वह कहते हैं उसने बहुत ज़्यादा खोया है, बहुत ज़्यादा खोया है, बहुत कुछ खोया है। तो यहाँ पर दे पीपल इन जनरल की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर कोई एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पीपल की बात नहीं हो रही है कि दो लोग कहते हैं, तीन लोग कहते हैं। फिफ्थ में, ऑल वर ड्रॉन, जितने भी थे सब डूब गए, तो ऑल वर ड्रॉन। अब ऑल में बहुत लोग हो सकते हैं, ठीक है, ऑल में बहुत सारे लोग हैं, इंडिफिनिट नंबर्स में पीपल हैं, तो इसलिए ऑल यहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन, एज अ इंडिफिनिट प्रोनाउन यूज हुआ है। सिक्स्थ में, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ ग्रेट पैदा होते हैं, अच्छे पैदा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सम है, सम, ये प्रोनाउन इंडिफिनिट नंबर में बात हो रही है, कोई एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पीपल की बात नहीं कर रहे कि दो लोग अच्छे पैदा होते हैं, तीन लोग होते हैं, चार लोग होते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नंबर में जब कोई बात नहीं हो रही होती है और उस पोजीशन पर कोई प्रोनाउन यूज होती है और वो रिलेटेड होती है नंबर से, तो अगर एग्जैक्ट नहीं है तो वो इंडिफिनिट होगी, तो इसलिए उसको कहते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। सेवन्थ है, नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चिल्ड्रन, बच्चों को बचाने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। तो कोई भी नहीं था की बात हो रही है, कोई एक दो की बात नहीं हो रही है, कोई भी नहीं था, पीपल इन जनरल की बात हो रही है, तो यहां पर नोबडी एज अ इंडिफिनिट प्रोनाउन आया है। फ्यू escaped unhurt, अब बामुश्किल से कुछ लोग निकल पाए, unhurt निकल पाए, मतलब कि बिना चोट के निकल पाए, उनके चोट नहीं लगी, ठीक है। तो यहाँ पर few, कोई हमको एक exact amount of number की बात नहीं हो रही है, तो ये few indefinite numbers में बात हो रही है, और few noun या pronoun की position पे आ सकता है, तो noun तो है नहीं, ये pronoun है, और pronoun किस में आएगा, indefinite pronoun में आएगा। Ninth, many of them were गुरखास, अब उसमें से उनमें से बहुत लोग गुरखास से थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो यूज़ हुआ है इनडिफिनिट प्रोनाउन ही है, क्योंकि ये कोई एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहा है कि उनमें से दो लोग, उनमें से तीन लोग, बहुत सारे लोग की बात हो रही है, इनडिफिनिट नंबर्स में बात हो रही है, तो इसलिए ये प्रोनाउन कौन सा हुआ, इनडिफिनिट प्रोनाउन। लास्ट में, टेंथ में, डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा करें, तो यहाँ पर दूसरों के साथ बात हो रही है, पीपल इन जनरल की बात हो रही है, कोई एक दो के साथ बात नहीं हो रही कि उनके साथ अच्छा करें, उनके साथ ना करें, सबके साथ अच्छा करें, तो यहाँ पर पीपल इन जनरल की जब बात हो रही होगी, जब जनरल वे में बात हो रही होगी, उसके लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज़ करनी है, तो उसको हम कहते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसमें कि हमको कोई एग्जैक्ट
नंबर ना मिले, ठीक है, कि एक दो तीन ऐसे में ना मिले जिसमें बहुत सारे लोग हों, जिसमें हमको कोई एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नंबर ना हो। उसके लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज होती है तो उसे हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए तो कल एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।